गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। गढ़वा नगर परिषद चुनाव को लेकर उपाध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर इश्तियाक रजा ने वार्ड 1 और वार्ड 18 का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि मात्र कुछ देर की बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोल कर रख दी है। नालियों का पानी रोड पर बहने लगा और इस चीज से लोग नगर पंचायत के पिछले 10 सालों में के कार्यकाल में भी निजात नहीं पा सके। एक वार्ड के कई कोनों ने किए हैं और वार्ड 18 में हम गए टांडवा के देवी धाम में, लोगों से जनसंपर्क किया, लेकिन एक चीज आज देखकर महसूस हुआ कि गढ़वा की स्थिति परिस्थिति जस की तस बनी हुई। आज गढ़वा का पोल भी खोल दिया गया, नगर परिषद का पोल खुल गया। भगवान की क्या मर्जी थी कि 10-15 मिनट की बारिश से गढ़वा के गढ़वा में देवी धाम के गांव में मोहल्ले में 18 वार्ड में सारा नाली के पानी रोड पर आ गया, लोग आना जाना दुश्वार हो गया। उसी तरह मेन रोड का भी स्थिति और परिस्थिति देखने में आता है, सारा पानी नाली का पानी रोड पर है। इसे साफ साबित होता है कि कहीं न कहीं वार्ड के हमारे कमियां हैं, कहीं न कहीं नगर परिषद की कमियां हैं, जो मुख्य रूप से सर सफाई भी अच्छी तरह से नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये परेशानियों को झेलना पड़ रहा है यहाँ का जनता। आने वाला दिन में यह अच्छा हो, बेहतर हो, कोई अच्छे अर्दली का चुनाव लोग करे ताकि बेहतर सर सफाई भी हो सके। हम चाहेंगे कि मैं आज सु पार्टी का उपाध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर इश्तियाक रजा का चुनाव चिन्ह केला छाप कर, जिसका क्रमांक संख्या 2 है, तो मैं गढ़वा नगर परिषद के लोगों से अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह केला छाप पर वोट दे और अपार मतों से वोट देकर मुझे विजय बनाए। धन्यवाद। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।